इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है एंजियोस्पर्म्स प्लांट किंगडम पार्ट 7। एंजियोस्पर्म इस प्लांट ग्रुप में यूकेलिप्टस जैसे बड़े बड़े पेड़ों से लेकर और वॉल्फिया जैसे माइक्रोस्कोपिक फ्लावरिंग प्लांट्स तक देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये देखिए डायग्राम में, ये बिल्कुल जैसे दलिया के जो दाने होते हैं बिल्कुल इस तरह के ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं। और यहाँ पर हमने ये पिक्चर ये वॉल्फिया की ही लगाई है और यहाँ पर इसका ये कट सेक्शन दिखाया है कि किस तरह से इस ये छोटे से माइक्रोस्कोपिक प्लांट में ये देखिए मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों इस तरह से पूरे प्लांट में ये यहाँ पर लाई कर रहे हैं। तो वॉल्फिया स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है जिसका डायग्राम हमने यहाँ इस स्लाइड पे दिखाया है। सबसे पहले ये टर्म हम दो एक्सप्लेन करेंगे, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। जब हम ब्रायोफाइट पढ़ा रहे थे अपने स्टूडेंट्स को तो वहाँ पे इन दोनों टर्म्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट था, और ट्रैकियोफाइटा में यानी कि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल जाता है। तो सबसे पहले ये दोनों टर्म्स हम सीखेंगे। तो ये यहाँ पर हमने स्पोरोफाइट दिखाया है। तो आपके आसपास जितने भी प्लांट्स दिखते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, तो जो मेन बॉडी होती है प्लांट की वह स्पोरोफाइट होती है। रिकॉल कीजिए ब्रायोफाइट को, तो वहाँ पे गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी होता था, लेकिन टेरिडो जब हम ट्रैकियोफाइटा पढ़ते हैं तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाता है। यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी है, जो हमें दिखती है जो प्लांट बॉडी, ये एक्चुअली स्पोरोफाइट होता है, ये डिप्लॉइड होता है, ये प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो ये कुछ चेंजेस प्लांट किंगडम में हमें देखने को मिले। तो ट्रैकियोफाइटा में ये जो मेन प्लांट बॉडी है वह स्पोरोफाइट है, और ये यहाँ पर हमने मेल गैमेटोफाइट दिखाएंगे यहाँ पर। तो ये मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, ये स्टेमन है और ये एंथर और ये फिलामेंट, और जो एंथर होता है उसमें ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो लोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये स्पोरेंजिया होते हैं। इन्हें माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं क्योंकि ये माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं यानी कि पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं, और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं यह मेल गैमेटोफाइट होते हैं। एंजियोस्पर्म्स में ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स में पॉलन्स मेल गैमेटोफाइट हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर कीजिए ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन आगे ना रहे। और यहाँ पर ये फीमेल गैमेटोफाइट दिखाएंगे। ये पिस्टल तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये तीनों पार्ट भी आप जानते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी, और ओवरी के अंदर ये ओव्यूल, और ओव्यूल के भी अंदर ये जो सर्कल आप देख रहे हैं ये एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है फीमेल गैमेट यानी कि एग। तो एम्ब्रियो सैक जो होता है एक्चुअली ये स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहा है गैमेट, इस वजह से जो एम्ब्रियो सैक है ये फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट जब हमारे क्लियर हो जाएंगे तो आगे जो भी हम डिस्कशन करेंगे उनको समझना बहुत आसान होगा। एंजियोस्पर्म्स में हमें एक बहुत यूनिक फिनोमिनन देखने को मिलता है, डबल फर्टिलाइजेशन। इसको बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। 12th स्टैंडर्ड में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स करके एक चैप्टर है, तो उसमें बहुत डिटेल में ये हमने बताया है, यहाँ ब्रीफ में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरू करने से पहले टॉपिक को, यहाँ पर ये हमने ओव्यूल, ये एम्ब्रियो सैक दिखाया है, ये ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सैक है, यहाँ ये ओव्यूल है और ये एम्ब्रियो सैक है। तो एम्ब्रियो सैक में ये तो ये एग सेल हो गया, और यहाँ पर ये दो, ध्यान दीजिए, तो ये सेंट्रल सेल हैं, और जो सेंट्रल सेल होती है उसमें दो न्यूक्लियस होते हैं। तो इतना समझने के बाद अब हम डबल फर्टिलाइजेशन शुरू करेंगे। तो जब भी कोई एप्रोप्रिएट पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करता है तो वह जर्मिनेट होता है, और जब वह जर्मिनेट होता है तो पॉलन ट्यूब बनाता है, और ये पॉलन ट्यूब ओव्यूल की तरफ बढ़ती है, और इस पॉलन ट्यूब में दो मेल न्यूक्लियाई होते हैं। ये देखिए ध्यान से, दो डॉट जैसे स्ट्रक्चर, ये दो मेल न्यूक्लियाई हैं जो ये इस पॉलन से आए हैं। यूजुअली एक ही मेल न्यूक्लियस फ्यूज करता है फर्टिलाइजेशन के दौरान, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन में कि दो न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे। तो जब ये यहाँ पर पॉलन ट्यूब ओव्यूल की तरफ बढ़ती है तो ओव्यूल के माउथ पर आने के बाद ये दोनों मेल न्यूक्लियाई इस ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक में रिलीज कर दिए जाते हैं। यहाँ पे देखिए डायग्राम में, बहुत अच्छा डायग्राम है ये, पॉलन ट्यूब इस तरह से ओव्यूल के माउथ के अंदर गई और यहाँ पर इसमें दो मेल न्यूक्लियाई रिलीज कर दिए।
तो इनमें से एक मेल न्यूक्लियस तो ये एग सेल के साथ फ्यूज होगा और ये दूसरा एक मेल न्यूक्लियस ये जो सेंट्रल सेल है जिसमें दो न्यूक्लियाई ऑलरेडी मौजूद हैं इस सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होगा। तो इस फिनामिनन में इस पर्टिकुलर इवेंट में दो फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिल रहे हैं मेल न्यूक्लियाई के, इस वजह से इस फिनामिनन को इस इवेंट को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो एक मेल न्यूक्लियाई मेल न्यूक्लियस जो इस एग सेल के साथ फ्यूज करेगा तो वह फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा और ये जो तीन न्यूक्लियाई जो फ्यूज होंगे एक मेल न्यूक्लियस और ये दो सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस, तो जब ये फ्यूज होंगे तो ये एंडोस्पर्म बनाएंगे और ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा क्योंकि तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज हुए हैं तो यहाँ पे ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, ये एंडोस्पर्म जो है ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा और जाइगोट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस तरह से दो इवेंट होते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में, सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। सिंगैमी किसे कहते हैं, ये जो मेल न्यूक्लियस और ये एग सेल का जो फ्यूजन हुआ है इसको हम सिंगैमी कहते हैं और दो सेंट्रल सेल के न्यूक्लियाई और एक मेल न्यूक्लियस जो फ्यूज होता है तो इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर इवेंट में तीन न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं। तो जाइगोट तो आगे जाके डेवलप होगा तो एम्ब्रियो बनेगा इससे और जो एंडोस्पर्म डेवलप होगा तो वह इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो इस पर्टिकुलर इवेंट को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ हमने डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का फ्लोचार्ट लगाया है, बहुत ही कंसाइज और बहुत टाइम सेविंग और कंप्लीट फ्लोचार्ट है और 11th के एग्ज़ाम में डबल फर्टिलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 2 से 3 नंबर तक का शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। तो आप ये फ्लोचार्ट बना के आप बहुत ही स्कोरिंग फ्लोचार्ट है तो आप इसको अपने नोट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस हमने एक्सप्लेन कर ही दिया है, कुछ एक बातें यहाँ पे बता दें कि जो डायग्राम में जो हमने बोला था दो सेंट्रल न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल की न्यूक्लियाई उन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं और ये तीनों न्यूक्लियाई के फ्यूज़न में जिसको हम ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं तो जो पहला सेल बनेगा उसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म में डेवलप होगा और एंडोस्पर्म हमेशा पहले डेवलप होता है क्योंकि इस एंडोस्पर्म को डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। एंडोस्पर्म का पर्पस होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ये दोनों बन जाते हैं, जाइगोट भी बनता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, लेकिन एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होता है ताकि ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। इस डायग्राम की हेल्प से हम एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जितने भी हमने डिस्कशन किए हैं उसमें आपको ये तो ज़रूर पता चल गया होगा कि जो फ्लावरिंग प्लांट हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं ये स्पोरोफाइट्स होते हैं और ये डिप्लॉइड होते हैं। तो जो मेन प्लांट बॉडी होती है वह स्पोरोफाइट होती है और डिप्लॉइड होती है और इस प्लांट बॉडी के ऊपर जो फ्लावर्स आते हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट के। और यहाँ पर फ्लावर पे आप देखिए तो ये मेल सेक्स ऑर्गन है स्टेमन और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है पिस्टिल और स्टेमन में ये एंथर और एंथर के अंदर 4 लोब्स होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया और ये माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं और पोलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट होते हैं और हर एक पोलन ग्रेन के अंदर मेल न्यूक्लियाई होते हैं। और यहाँ उसी तरह से ओवरी का यहाँ पे दिखाया हुआ है कट सेक्शन, तो ओवरी के अंदर ये ओव्यूल्स हैं और यहाँ पर ओव्यूल का कट सेक्शन दिखाया हुआ है, तो हर एक ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सैक होता है और एम्ब्रियो सैक में एक एग होता है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हम डिस्कस कर ही चुके हैं और एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन हर एक एम्ब्रियो सैक में जाइगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद और जब ये फर्दर डेवलप होगा तो एम्ब्रियो बनेगा। और ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये जो ओव्यूल है ये फाइनली सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पूरी जो ओवरी है ये फाइनली पूरे फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी।
तो एंजियोस्पर्म्स के केस में जो सीड होते हैं वह प्रोटेक्टेड होते हैं, फ्रूट के अंदर होते हैं। जब हम जिम्नोस्पर्म डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि जिम्नोस्पर्म का जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उसमें ओवरी नहीं होती है तो फ्रूट भी नहीं बनता है, तो जिम्नोस्पर्म के केस में जो सीड बनते हैं वह एक्सपोज्ड होते हैं, वह नेकेड होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म्स के केस में सीड्स प्रोटेक्टेड होते हैं और फ्रूट के अंदर होते हैं। तो जब भी ये सीड्स जर्मिनेट होंगे तो ये एम्ब्रियो फर्दर ग्रो करेगा और पूरे प्लांट में कन्वर्ट कर जाएगा, प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा और स्पोरोफाइट बनाएगा। तो स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट से वापस दोबारा स्पोरोफाइट। तो इस तरह से एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल कंटिन्यू होती है। एक बात और बता दें यहाँ पे कि जो गैमेटोफाइट्स होते हैं ये बहुत ही इनकॉन्स्पिकुअस स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत छोटे टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं, और ये पूरी तरह से स्पोरोफाइट पर डिपेंड होते हैं। अभी तक जितनी भी बातें हमने डिस्कस की हैं एंजियोस्पर्म से रिलेटेड, वह सारी बातें यहाँ हमने पॉइंट्स में समराइज कर दी हैं। इन पॉइंट्स को आप नोट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।